आफ्टर 10 सेकेंड्स वो कुछ अपना काम कर रहे हूँ किचन में, तो नाम सुनेंगे तो आने में टाइम लग जाएगा ना, बट वो सामने वाला तो उनका नाम लिया जा रहा है, ए आर यू देयर, आर यू देयर, तो बोलेंगे नो आई वाज टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग म्यूट। हाय गाइस, वेलकम टू क्रेजी क्लाउंस। यार आजकल ना कंपनीज मना क्यों कर रही है वर्क फ्रॉम होम देने से, आई मीन बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो रही है। मैं देख रहा हूँ ना, पहले क्या होता था, TCS, इन्फोसिस, ये सब लोग बोल रहे थे कि आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अपने घर पे जाइए, अपने होम टाउन से काम कर सकते हो। एट द एंड काम ही तो मैटर करता है ना कंपनी में, उससे ज़्यादा कहीं मैटर करता है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। हर कंपनी बोल रही थी कि वी आर रेडी टू गिव वर्क फ्रॉम लाइक फॉर एवर, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फॉर एवर। जितना बड़ा कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, सब रेडी थे। वो एक टाइम आया जब कोरोना का टाइम आया, तो सब घर में रहते थे, तो घर में रहते थे तो कुछ उनको ज़्यादा वो बाहर कुछ जाना नहीं होता था, फैमिली काम, फैमिली काम। तो वो टाइम पे प्रोडक्टिविटी बहुत मिली लोगों की, वो प्रोडक्टिविटी इतनी मिली कि कंपनी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये तो काम ज़्यादा मिल रहा है सेम सैलरी में, सैलरी तो बढ़ाई नहीं, तो वाई नॉट लेट से कि अब हमेशा करो, लंबे समय तक करते रहो। क्योंकि लोगों लगा था शायद अब यही लाइफ रहेगा कोरोना की वजह से। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, वैक्सीन आई, सब कुछ हुआ, उसकी वजह से लोग फिर बाहर निकलना शुरू हुए, लोग घूमने जाना शुरू हुए थोड़ा थोड़ा, बिकॉज़ वो एक चीज़ थी जो मिसिंग थी। यू कैन नॉट गो आउट, घूम नहीं सकते हो, अपने मन का नहीं कर सकते हो, मूवी देखने बाहर नहीं जा सकते हो, घर में पड़े रहो, घर में पड़े रहो, एक नेगेटिव एनर्जी आती है। और घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट मेंट फॉर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये वर्क फ्रॉम होम जो है ना, ये एंटी पैटर्न है, होम इज़ मेंट टू रिलैक्स, वहाँ पे फिर ऑफिस ऑफिस बना काम के लिए। घर में क्या है कि आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते ना कई बार, कि घर का काम कब करना है, फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करना है, कहीं ना कहीं मिक्सअप बिल्कुल, हो जाता है ना आपका कंपनीज के लिए ये माइंड। बूम था, कंपनीज थॉट कि इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, उनको तो मैटर नहीं करता आप फैमिली कितना टाइम दे रहे हो कितना नहीं दे रहे हो, ठीक है वो तो अपने हिसाब से हो आप, तो आप क्या करते हो, कई बार दिन में आप काम से बच जाते थे लेकिन आप रात में बैठे हो लेट तक, घर वाले सो गए, आप रात में बैठे लेट तक काम कर रहे हो, कंपनी को फ़ायदा हुआ। जैसे जैसे ओपन हुआ, ओपन होने से क्या हुआ, आपने देखा होगा लोग सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है ना, लोग बाहर जाने लगे। अब ये भीड़ कहाँ से आई, वर्क फ्रॉम होम था तब भी, पर भीड़ कहाँ से आई, ये वही तो लोग हैं, ये हम ही लोग तो थे जो बाहर जाते थे, ट्रैफिक बढ़ाते थे, घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो लोगों ने काम के बीच में ये सब चीज़ें मिक्स कर दी, तो ऑफिस नहीं जाते थे, घर पे रहते थे और बीच में निकल जाते थे। अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा और मेरे को पता है जो हम देंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया, ठीक है, और मिसयूज़ करके कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, इसी वजह से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम रोल बैक किया। अब याद हो आपको, बहुत बार मीटिंग चल रही होती थी, कॉल चल रही होती थी, तो लोग बोलते थे पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप सडनली नाम लो उनका, हेलो आर यू देयर, आर यू देयर, सो सडनली दे विल कम आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड्स वो कुछ अपना काम कर रहे हूँ किचन में, तो नाम सुनेंगे तो आने में टाइम लग जाएगा ना, बट वो सामने वाला तो उनका नाम लिया जा रहा है, ए आर यू देयर, आर यू देयर, तो बोलेंगे नो आई वाज टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग म्यूट। व्हाट अ जोक इज़ दैट, और वो आज तक चलता है ये, हैं तो ये अगर आप देखें तो ये काम से हटके तो कर रहे हो काम, तभी तो हो रहा है, तो मीटिंग में ध्यान नहीं देना है, घर के काम करना मिक्स करना है, तो घर के काम को काम ऑफिस के काम के साथ मिक्स किया, ठीक, इससे प्रोडक्टिविटी डाउन हुई होगी, आप वो मीटिंग में बात नहीं समझोगे, आप उसके लिए आप दोबारा से लोगों को बग करोगे, आप मीटिंग को रिकॉर्ड करके दोबारा से देखोगे, तो वो टाइम वेस्ट तो है, इससे प्रोडक्टिविटी डाउन हुई है। ये एक सिनेरियो है, सडनली कोई मैसेज डाल देगा आफ्टरनून में, अ गुड वीक डे मैं आफ्टरनून में, कि आई एम अनअवेलेबल फॉर कपल ऑफ आवर्स। अच्छा कपल ऑफ आवर्स, उसके 3 घंटे भी जाएंगे, पता नहीं चल रहा आदमी कहाँ है ना। बाद में इसमें जब लोगों को पूछा जाता है कई बार कि भाई अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया आपने, कि आ गए कि नहीं आए, हेलो हेलो, तब बोलेंगे कि अरे यार वो मिस हो गया, डालना कि बी राइट बैक, यू नो आई एम बैक, हाँ, वो मिस देखो हो गया। मिस हो गया, अब कितना आसान है कह देना मिस हो गया, जबकि कुछ था ही नहीं, वो घर में थे ही नहीं, वो आए लेट है ना। और कई बार लोग बताते भी नहीं हैं, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे कोई भी एंड बाहर चले जाएंगे, तो कोई देखेगा तो इन अ कॉल आएगा, इन अ मीटिंग आएगा, और दे आर नॉट देयर,
या डीएनडी डाल देंगे, डीएनडी डाल देंगे तो टीम्स में वो दिखता नहीं है, है ना, वो डीएनडी रहता है तो लगेगा बंदा कुछ काम कर रहा है इंपॉर्टेंट, और आप गायब हैं 2-3 घंटे के लिए। और एक और क्लेवर चीज हमने देखी लोग करते हैं कि जैसे आपका टीम्स है ना, तो उसमें क्या होता है कि सेटिंग होती है ना, आप बिजी रख सकते हैं अपने आपको, अपने खुद की मीटिंग सेटअप कर लिया आपने, वही वही वही, तो उसमें क्या है कि वरना अवे दिखाता है ना आपका टीम्स में, तो उससे क्या होता है कि आपका टीम्स में अवे नहीं दिखाता है, आप मीटिंग बुक कर लो अपने लिए और आपके ऊपर रेड रेड रहता है हमेशा, जब उस पर आप ओवर करोगे तब दिखाएगा कि आप कॉल में हो या बिजी हो, तो ये टेक्निक्स भी लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा था, जो तुमने डिटेल में बताया यही बोलना चाह रहा था, ये टेक्निक्स लोगों ने लगाई। अभी कंपनीज को नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, है ना, और कंपनी ने ट्राई करा कि आप मीटिंग्स में वीडियो कॉल में आओ, कोई आता ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। कंपनी ने बहुत ट्राई किया कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि कंपनी ने रियलाइज़ किया कि आफ्टर कोरोना का वेव 1 वेव 2, स्पेशली आफ्टर वेव 2 जब वो ओपन हुआ सारा मार्केट सब कुछ ओपन हुआ, दे रियलाइज़ की प्रोडक्टिविटी में डिप आया। कैसे डिप आया, क्या हो रहा होगा जो डिप आया, बिकॉज मार्केट ओपन हो गया ना, और ये भीड़ कहाँ है, ये भीड़ ऑफिस तो नहीं जा रही है, ये किसने बढ़ाई ये भीड़, ये तो नहीं बोल सकते कि ये ऐसी नॉर्मल लोग हैं। और स्टार्टिंग में जब कोरोना थोड़ा सा जा रहा था, मतलब इट वॉज जस्ट गोइंग अवे, थोड़ा थोड़ा था, हल्का हल्का उसकी लहर थी, तब भी देखा जा रहा था कि लोगों की भीड़ तो कम नहीं हो रही, मॉल्स में लोग भरे पड़े हैं। यही तो बोल रहा हूं, जब ऑफिस आने के लिए बोलते थे तो ऑफिस में बोलते थे कि यार मतलब किड्स हैं घर पे, ये है वो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहाने बनाते थे लोग ना, कि एक्सक्यूज देते थे कि अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन मार्केट फिर पूरी भरी हुई है। वही ना, अब कौन है मार्केट में, हम ही लोग हैं, बट हम एक्सक्यूज कर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, हम बहाना बना रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, एक तरीके से हम झूठ बोल रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए कंपनी को आइडिया लग गया, रियलाइज नहीं, कंपनी से रियलाइज किया कि प्रोडक्टिविटी डिप हुई है। कैसे, तो वो जो एनालिसिस है ना वो यही आई कि मार्केट ओपन है, पीपल आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, पीपल आर गोइंग आउट, दैट्स हाउ इट इज गोइंग डाउन। एंड देन लोग जब ओपन हुआ देन लोगों ने रियलाइज किया कि यार कोविड जैसा अगर डिजीज आता है तो उसमें लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। बट वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, वो ऐसा नहीं है कि आप वर्क वालों को बेवकूफ़ बनाओ और आप सैलरी लेते रहो काम ना करो और आप लाइफ में इंजॉय करो, दैट इज नॉट राइट, वो रॉन्ग है। लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ इंपॉर्टेंट है तो लाइफ जियो, बट काम तो चोरी करके मत जियो, है ना, सिर्फ सेविंग मत सोचो, लाइफ जियो। लोगों ने उसको उल्टा ले लिया, नहीं वर्क वालों को कंपनी वालों को बेवकूफ़ बनाओ, लाइफ जियो, ये लोगों ने मीनिंग ले लिया। और यहाँ तक कि इसका अपोजिट, अगर अपोजिट क्या मतलब, अगर आप काम के साथ साथ मस्ती करते रहो, मतलब काम पे आपका फोकस भी रहे और पैरेलल में आप मस्ती करते रहो, तो शायद आपका जो मतलब सारी चीज़ें सही चलेंगी, आई मीन राइट, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आपकी जो है वो ट्रैक पे रहेगी पूरी। यस, लोगों ने ऐसे ऐसे भी किया है कि वर्क फ्रॉम कर रहे हैं, कंपनीज का मीनिंग था वर्क फ्रॉम होम का कि पहले आप कहीं से भी कर लो, ठीक है, आप क्योंकि आप कोविड में फंस गए थे ना, लोग घर भाग गए थे, फंस गए थे, उसके बाद जब यहाँ आए, कंपनी के वर्क फ्रॉम होम का मीनिंग था कि आप जिस लोकेशन को बिलोंग करते हो उसी लोकेशन, मतलब आपका जो ऑफिशियल लोकेशन है आपके ऑफर के हिसाब से, आप उसी लोकेशन में काम करोगे, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस नहीं आओगे, ओके। लोगों ने गाँव से काम करना शुरू कर दिया, घर से काम कर रहा है, गाँव से काम कर रहा है, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर, इवन अपने शहरों से काम कर रहा है, जो कि बड़े शहर हैं वहाँ पे नेट इंटरनेट नहीं लिया लोगों ने, मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट करे हुए हैं, और जब खत्म हो जाता है पैक तो बोलते हैं अरे वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं होगा, मेरा इंटरनेट पैक खत्म हो गया। सीरियसली, इज कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोबाइल नेटवर्क पैक इज गेटिंग ओवर? कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, कंपनी ने जब बोला वर्क फ्रॉम होम, कंपनी ने बोला कि आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए अपनी, कुछ कंपनीज दी है, वो उनका पॉलिसी है, बाकी उन्होंने नहीं दी है, यू कांट ब्लेम देम। अच्छा, यहाँ पर अगर लोग इस चीज़ को मिसयूज़ ना करें, तो हमें ये जो लिवरेज करें अगर इस चीज़ को, मतलब आपको दिया था कि कभी आप कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम, है ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप अगर मिसयूज़ ना करें तो मुझे लगता है थोड़ा सही चलता मामला ये, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि भाई आओ आओ ऑफिस आओ। एब्सोल्युटली, अगर मिसयूज़ नहीं करते तो, बट यू नो वी आर ह्यूमंस, हमारा टेंडेंसी है कि हम मिसयूज़ करेंगे, कंफर्टेबल जोन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, स्पेशली इंडिया में तो हम जरूर सोचेंगे इसका मिस यूज़ करें, बिकॉज हमारा दिमाग बहुत चलता है, हम सोचेंगे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इंजॉय भी कर लें काम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इवन सिस्टम में जब मल्टीटास्किंग होती है वहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है, जब एक कोर का सीपीयू होता है तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, हमारा एक ही कोर का सीपीयू है बॉस, हमारे 4 कोर के सीपीयू नहीं है जो आज के सिस्टम के सीपीयूज है, तो हमको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। यू कैन से दैट कि मैं अपनी मूवी भी इंजॉय कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, नो, समथिंग विल सफर, आइदर यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय मूवी कम्प्लीटली और योर वर्क इज गोना सफर। तो हमको ये देखना है, हमको ये सोचना है कि हमको किस टाइम पे क्या करना है, एंड देन फिर पीपल स्टार्टेड मेकिंग नॉइज, हम रात के 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। अरे बॉस, आप दिन में तो काम करते नहीं हो, तो आपको रात में काम करना पड़ेगा, क्या करोगे,
इसके लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है जो लोगों ने खुद से क्रिएट की है। अच्छा, ये एक अनरिलेटेड टॉपिक है लेकिन थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं कि बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए आईटी को ब्लेम भी करते हैं, आईटी की फील्ड को ही, कि इस फील्ड में काम बहुत होता है, मतलब रात रात काम करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं है दिन में, इसलिए आपको रात रात तक काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही, जो लोग प्रोडक्टिव हैं वो 3-4 घंटे में भी अपना काम फिनिश कर रहे हैं जो 8 घंटे का काम है। थोड़ा मानता हूँ कि थोड़ा सिनेरियोज में ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी देते हैं, ट्राई करते हैं, बट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, थोड़ा होता है। बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी दिन में डाउन है तो आप उसको कैसे तो कोप अप करोगे ना। सी आइदर यू हैव टू फिनिश सम पार्ट, आइदर यू फिनिश इन 10 hours और 4 hours, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी को पता है आज का अगर काम है तो आज खत्म हो जाना चाहिए, अब उसका आप रात पूरी रात बैठ के जाके करो या आप 2 घंटे में कर लो, ये आपके ऊपर है। और इसे इसी चीज़ के लिए हमने मिसयूज़ किया, जब हम मिसयूज़ करेंगे तो हमको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये हुआ है। और इसीलिए आज कंपनीज इतने सारे रीजंस की वजह से नहीं चाहती हैं कि कोई वर्क फ्रॉम होम करे। तो इट्स लाइक कंपनी फैसिलिटी दे रही है, हाँ इसमें कंपनी का फ़ायदा है फॉर श्योर, बट आपको सैलरी भी तो मिल रही है, करेक्ट? तो जब कंपनी का फ़ायदा है आपका भी हो रहा है तो वाई नॉट हैव अ फेयर गेम, है ना। मैंने बोला कंपनी टोटली फेयर है, बट आप भी टोटली अनफेयर मत हो जाओ एज एन एम्प्लॉय, तो आपको भी वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और हुआ है ये बहुत बहुत मिसयूज़ हुआ है। तुम इफ यू सी सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे आप देखोगे बहुत सारे पोस्ट जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए ओपिनियन आता है, फिर पोल आता है, पोल में कुछ लोग बोलते हैं नहीं वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिलना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं नहीं मिलना चाहिए ना, उनको जो दूसरा पार्टी है जो बोलता है मिलना चाहिए, वो ये बोलता है नो यू आर बींग ओल्ड स्टाइल मैनेजर, यू आर लाइक दिस, यू आर माइक्रो मैनेजर, यू आर लाइक दैट, यू नो तुमको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वही लोग हैं, सी ऐसे लोग बहुत कम है जो सही में सिर्फ काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, उनके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। और वो ये बात बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा गलत है ये वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाना, मैं चलो मानता हूँ बिकॉज दे आर पुटिंग मोर आवर्स, बट इफ दे से नो एंटायर कम्युनिटी हु वॉन्ट्स टू वर्क फ्रॉम होम, दे ऑल आर ब्लू कॉलर पीपल और दे ऑल आर काइंड ऑफ यू नो सब सही हैं, गलत नहीं है, ये एक बात गलत है। तो कंपनीज के पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि अभी आपने सुना होगा ना वो मुहावरा कि गेहूँ के साथ घुन भी बच जाता है, तो कंपनी कैनॉट से कि यू कम बिकॉज यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, यू आर स्पेंडिंग लेस आवर, यू आर डूइंग मस्ती एट होम, सो यू कम एंड यू डोंट कम, नहीं बोल सकती ना। राइट, कंपनी को तो सबको बुलाना पड़ेगा, वो तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, रूल्स आर यूनिफॉर्म बिकॉज यू कांट पिन पॉइंट दैट, यू डोंट हैव प्रूफ्स एंड यू विल नॉट गो इनटू फाइंडिंग प्रूफ्स फॉर दैट, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं आप सब आओ, कंपनी बोलेगी नहीं सब आइए, इसलिए सब पिसते हैं। जैसे वो भी पिसते हैं जो घर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जो ट्रैफिक में टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, और वो तो इसमें पकड़े जा ही रहे हैं जो ऑलरेडी टाइम खराब कर रहे हैं। तो बेसिकली इसीलिए यही एक रीज़न है जिससे कंपनी चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस आएँ, बिकॉज ऑफिस आते एक और चीज़ है इसमें बात करना भूल गया, लोगों ने घर पर रह के एक तो लोगों की ग्रोथ हुई है बिकॉज लोगों ने क्या करा है, घर पर बैठ के तैयारी भी करी है, काम से चोरी करी ऑफकोर्स, और इंटरव्यूज़ दिए हैं और जॉब स्विच करी, ऑफर्स लिए हैं, तो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हुई बिकॉज उनको रिटेन नहीं कर पा रहे और वो बाहर से रिसोर्स नहीं ले पा रहे क्योंकि महंगा आ रहा है। सो दे वॉन्ट रियली पीपल टू बी इन ऑफिस, ऑफिस में आते थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, आप नहीं कर सकते हो ऐसा, है ना, इतना ईजिली घर पे तो आप कर रहे हो किसी को पता ही नहीं है। आप TND चले गए, आपने बोल दिया मेरा नेट नहीं आ रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो बहाने हो गए, कौन चेक करने आ रहा है, आपने इंटरव्यू दे दिया, तो कंपनीज को इसका नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ बट कंपनीज को इसका नुकसान हुआ। बिकॉज आपका क्वेश्चन था कि कंपनीज अभी क्यों ऐसा कर रही हैं, तो उसके लिए बता रहा हूँ, कंपनी से नुकसान हुआ तो कंपनी बोलती नहीं भाई ऑफिस आओ, एक पैटर्न बनाओ, ऑफिस आओ, इधर ही काम करो, सो दैट वो चीज़ कम हो जाए। एक और इशू हुआ था मून लाइटिंग क्या, आप दो कंपनीज के लिए एक साथ काम कर रहे हो, वो भी हुआ था। बहुत सारे जगह पे हमने देखा लोगों ऐसी न्यूज आई है जहाँ पे आपके टैक्सेशन में पकड़े ना जाओ आप तो कैश ले रहे हैं दूसरी कंपनी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कैश ले रहे हैं। यस, तो छोटी कंपनी का काम उठा लिया आपने, बड़ी कंपनी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप उनसे कैश उठा रहे हो, उनका काम करके दे रहे हो, इधर इधर भी चोरी कर रहे हो, तो इट्स लाइक वो मूनलाइटिंग भी हुआ, तो कंपनीज को पता चला, देन उन्होंने यू नो लोगों को बुलाना शुरू किया, तो इश्यूज बहुत सारे हैं। और स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज के फेवर में भी आ गई थी मूनलाइटिंग के, कि भाई चलो ठीक है कोई नहीं हम अलाउ करेंगे मूनलाइटिंग, ये वो। मूनलाइटिंग नहीं अलाउ करा था, मूनलाइटिंग इज डिफरेंट थिंग, आपका ये दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू वर्क फॉर टू कंपनीज एट द सेम टाइम,
जो कंपनी फेवर में आई थी वो बोलियां आई थी कि इफ यू डू वांट टू डू अ बिजनेस, साइड बिजनेस आप कर लो, ठीक है। ऐसी कुछ कंपनीज थी साइड बिजनेस के लिए मना नहीं कर रही थी, बट देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो मतलब कि आप आईटी में काम कर रहे हो एक कंपनी के लिए और एक और कंपनी के लिए आप आईटी में ही काम कर रहे हो, अच्छा वो गलत हो जाता है। अच्छा, बिकॉज वहां पे फिर चांसेस भी ये भी रहते हैं कि आप इधर का डेटा उधर लीक भी कर दो, पता नहीं डिस्क्लोज करोगे इन्फॉर्मेशन वगैरह। ऑफ कोर्स ठीक है ना। सो ये जो ब्रॉड रीजंस थे इसकी वजह से कंपनी बोलती है नहीं भाई ऑफिस आ गया, नो मैटर व्हाट, ट्रैफिक हो ये हो वो हो। कुछ कंपनीज बोलती 2 दिन, कुछ बोलती 3 दिन, कुछ 5, अभी तो 5 भी बोल रही ना। लोग नहीं जा रहे हैं अभी, लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि आप नहीं जा रहे हो, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो आप, वो भी होने वाला। अभी तो काफी सीरियसली ले रहे हैं कंपनीज आपका वेरिएबल काटेंगी, आपका हाइक कम करेंगी, वो इम्पैक्ट आएगा पैसे पर ही और परफॉर्मेंस पे। तो हमारा सजेशन यही है कि इफ यू आर वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी, जैसा पॉलिसी बनता है प्लीज डू फॉलो द पॉलिसी। एंड और वर्क फ्रॉम ऑफिस के फायदे अलग हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वो फायदों के लिए भी जाना चाहिए, राइट। तो आज का वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं होप हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी रिलेट कर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। Take care, guys. Thank you. See you guys later. Bye-bye.